नमस्कार बच्चों, अभी फर्स्ट चैप्टर में हमने यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा। आज से हम हिस्ट्री बुक का न्यू चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद शुरू करने जा रहे हैं, द नेशनलिज्म इन इंडिया। और ये हमारी टेक्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर है। प्यारे बच्चों, जैसा आपने यूरोप के राष्ट्रवाद में पढ़ा कि यूरोप में नए नए राष्ट्रों का, न्यू नेशन स्टेट्स का उदय होता जा रहा था। हमने देखा जर्मनी कैसे बना, इटली कैसे बना, इंग्लैंड में नेशनलिज्म कैसे आया। इसके अलावा भी हमने बहुत से एग्जाम्पल, फ्रांस की क्रांति वगैरह पढ़े। वो सभी नए राष्ट्र थे। इन नए राष्ट्रों ने लोगों की पहचान को बदला, लोगों के अंदर ये भाव पैदा किया कि वो कौन है, सामुदायिक पहचान की परिभाषा को बदला। सीधे शब्दों में बात करें, जैसे इस चैप्टर में हम बार बार इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में राष्ट्रवाद से पहले कोई जाना जाता था मराठा साम्राज्य के नाम से, कोई मुगल एम्पायर के नाम से, कोई साउथ में मैसूर के राज्य के नाम से। लेकिन राष्ट्रवाद ने सबको इंडियंस बना दिया, भारतीय बना दिया। इसी तरह से यूरोप में भी राष्ट्रवाद ने लोगों की पहचान को नए सिरे से परिभाषित किया। प्यारे बच्चों, एक जो इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में समझने वाली है कि अन्य देशों की तरह भारत में भी नेशनलिज्म उपनिवेश विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। मींस, जब हम राष्ट्र नहीं थे तो हम क्या थे? उपनिवेश थे, कॉलोनी थे। किसके उपनिवेश थे? इंग्लैंड के उपनिवेश थे। तो हर जगह दुनिया के सभी देशों में, खासकर उपनिवेशों में, राष्ट्रवाद उपनिवेश विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई घटना थी। यही आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि वाई द प्रोसेस ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनीज लिंक्ड टू एंटी कॉलोनी मूवमेंट। कैसे उपनिवेशों में राष्ट्रवाद उपनिवेश विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ था? इस प्रश्न को हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब उपनिवेश के खिलाफ वहां की जनता संघर्ष करती है ना, when they struggle against colony, तो उनके अंदर आपस में एकता का भाव पैदा होता है। वो अपनी एकता को पहचानते हैं। ये जो एकता का भाव है वो क्या है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। एकता का मतलब लार्ज स्केल यूनिटी मींस नेशन, राष्ट्र। तो ये एकता का भाव पैदा होता है जब लोग उपनिवेशों के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। एक और चीज है कि जब उपनिवेश में अलग अलग वर्ग हैं, विभिन्न समूह हैं, किसान हैं, सेना है या सैनिक वर्ग के लोग हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, व्यापारी वर्ग है, ये सब लोग जब उत्पीड़न और दमन का जो इनका साझा भाव है, सेंस ऑफ अपेस्ट एक शब्द है, यानी दमन का जो भाव है वो इनमें एक एकता की भावना पैदा करता है। हर व्यक्ति का शोषण हो रहा है, हर वर्ग का शोषण हो रहा है, तो ये जो शोषण है, ये जो सबका शोषण है ना, जो शेयर्ड बॉन्ड है इनका, वो विभिन्न सामाजिक समूहों को आपस में जोड़ता है, विभिन्न सामाजिक समूहों को आपस में एक साथ लाता है ना, टाइप डिफरेंट सोशल ग्रुप्स टुगेदर। तो ये जो चीज है ये नेशनलिज्म को बढ़ावा देती है। इसीलिए हमारी बुक में ये प्रश्न पूछा गया है कि स्पष्ट कीजिए, कैसे उपनिवेशों में राष्ट्रवाद उपनिवेश विरोधी आंदोलन से गहरे तौर पर है ना, इंटीमेटली जुड़ा हुआ था। इसका हमें उत्तर देना है। इन विभिन्न सामाजिक समूहों को महात्मा गांधी ने एक विशाल मूवमेंट के अंदर जोड़ दिया। वही हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इससे पहले बेटा आप 8th क्लास के अंदर भी नेशनलिज्म या राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां हमने 1910 तक की घटनाओं का जिक्र किया था। उससे आगे जो 1920 का दशक है,
उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। खास तौर से जो हमारा असहयोग आंदोलन है और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी चर्चा इस चैप्टर में की जाएगी। नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट, जो गांधी जी ने दो बड़े मूवमेंट चलाए थे। इसके अलावा हम इस चैप्टर में यह भी देखेंगे कि कैसे विभिन्न सामाजिक समूहों ने, जिनकी बात अभी मैं कर रहा था, किसानों ने, शहरों में व्यापारी वर्ग ने, समाज के दलित दमित पिछड़े वर्ग ने, इस मूवमेंट में या राष्ट्रवाद के इस आंदोलन में, स्वतंत्रता के संघर्ष में भाग लिया, हाउ दे पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। ये सभी चीजें हम इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं।